बिस्मिल्लाह पाकिस्तान से मैं हूं और आप देख रहे हैं क्रिकेट भी तुम्हारा फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पाईजान, पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया। मैं क्या कह रहा था कि अगर इन लोगों ने हर चुकी या जो उनको पड़गी तो ये एशिया कप से बाहर हो जाएंगे। अब भाईजान जो क्लियर कट मैसेज आया ना, लिटरली सच्ची न्यूज बता रहा हूँ कि 110% एशिया कप तो श्रीलंका में होना है। एसीसी ने पाकिस्तान से ये पूछा है, अगर आपने एशिया कप खेलना है तो हमें बता दो, अगर आपने नहीं खेलना तो आप विड्रा करके साइड पे हो जाओ। ये कोई नहीं बोला कि जी खेलो खेलो, ये वाला सिस्टम कोई नहीं है। ये बोला है कि अगर खेलना है तो बताओ, नहीं खेलना तो भाईजान साइड पे हो जाओ, हमें टीमें फाइनल करने दो। हाँ, 5 टीमें हैं, अगर भाईजान कोई सी टीम पाकिस्तान की जगह अंदर लानी पड़ी तो नेपाल तो आ गया, फिर यूएई को अंदर ये ले आएंगे और ये 6 टीमें बना गई या 5 टीमों का 5 नेशन टूर्नामेंट कराया जाएगा। नजम सेठी के अंदर हो गया भाईजान, ये बाहर हो गया एशिया कप से। और इनकी जो वो कहते हैं ना हट दर्मियां, इनकी बगैरतियां, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। और अब नजम सेठी अभी 1 या 2 अब मैक्सिमम शायद रात तक हो सकता है ये वर्ल्ड कप से बाइकॉट करने लगे हैं भाईजान। जो अभी लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है ना, ये वर्ल्ड कप से बाइकॉट करने लगे हैं, क्लियर कट वर्ल्ड कप से बाइकॉट करने लगे हैं। अब पता क्या होगा, जब ये एशिया कप से बाइकॉट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान क्रिकेट पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, टीमें इधर आना छोड़ जाएंगी। देखें, टीमें इधर आना छोड़ देंगे मतलब ये नहीं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वो नहीं आएंगी फिर इधर, वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे को बना लोगे वो तो हर हालत में आएंगी, वो तो टीम मतलब टीमें आनी है ना, बड़ी टीमों की बात हो रही है इधर, वो आना छोड़ जाएंगी फिर इधर, क्योंकि आप एक बड़े टूर्नामेंट से या वो अपनी पैन पेश करके साइड पे हो रहे हो, ये बात है ना फिर। और इन दी एंड आपका क्या होगा, जब आप वर्ल्ड कप से बाइकॉट करोगे फिर आप डायरेक्ट पंगा लोगे आईसीसी के साथ। आईसीसी के 2 ऑफिशियल आपको बता कि पाकिस्तान में आए थे नजम सेठी के साथ मुलाकात करने, जिसमें ये बात तय हुई थी, उन्होंने बोला है कि हम लोग वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे इंडिया, हम जो है वो अलग वेन्यू पे हमारा वर्ल्ड कप करवाओ या हम बाइकआउट करेंगे। अच्छा, बात पता क्या है, नजम सेठी के अंदर अकड़ पता क्या है, मैं आपको असल अकड़ बताता हूँ। असल अकड़ ये है कि भाईजान इंडिया पाकिस्तान के मैच तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट होता है, 80% रिवेन्यू उधर से जनरेट होता है। हम नहीं जाएंगे तो हमें हमारे ये तरले करेंगे, एल तरले करेंगे आपके भाईजान है, कोई किसी कोई किसी किस्म का लोग आपके तरले नहीं करेंगे, कोई कोई आपके पाँव नहीं पड़ेगा आगे, आपके बगैर क्रिकेट हो जाएगी और अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन दूसरी कंट्रीज को ये इम्पैक्ट पड़ेगा ना आपका, बैड इम्पैक्ट पड़ेगा कि पाकिस्तान बड़े टूर्नामेंट से पुल आउट करने वाली टीम है, भागने वाली टीम है ये भाईजान, पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने वाली बात कर नजम सेठी गंजा ये मुझे बहुत ज्यादा वट चढ़ा हुआ है इस बंदे पे भाईजान। मुझे एक बात, 2018 में एशिया कप होना था इंडिया में, लेकिन नजम सेठी ने जी, या आई थिंक तब कोई और था, शहर यार खान थे शायद, उन्होंने बोला कि जी हम लोग नहीं आएंगे जी इंडिया ने वर्ल्ड कप एशिया कप खेलने, ये करेंगे वो करेंगे, एशिया कप चला गया यूएई में। 2022 का एशिया कप श्रीलंका में था, यूएई में चला गया, सबने खेला। और भाईजान अगर ये वाले एशिया कप यूएई में चला जाएगा तो कौन सी मौत पड़ गई है श्रीलंका, अब देखें श्रीलंका में 110% ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया वेन्यू, श्रीलंका में एशिया कप करवाया जाएगा 100% जो है वो अनाउंस हो गया। पाकिस्तान ने खेलना है, खेले नहीं खेलना तो भाईजान आप छुट्टी करके जा सकते हो, लेकिन हमें जल्द और जल्द ये चीज बताई जाए कि आउट हो, लेकिन ऑफिशियली इस तरह पाकिस्तान आउट हो गया हुआ, क्योंकि ये लोग अब नहीं मानेंगे, इन्होंने जो अपना हाइब्रिड मॉडल दिया हुआ था वो तो रिजेक्ट हो गया। बीसीसीआई ने ठोक के बोला कि हम लोग ये रिजेक्ट करेंगे, जो पुटने होते आज हमारा पुट लो। और फिर नजम सेठी क्या कर सकता है, फिर धमकियां ही दे सकेगा ना, हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने आएंगे, हम वर्ल्ड कप से बाइकॉट करेंगे। एक और बात मैं अगर आपको बताता हूँ, अगर अभी अभी पाकिस्तान एशिया कप खेलने भी चला जाए श्रीलंका में, पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप खेलने भी इंडिया में चला जाए, हाँ फिर हो सकता है कि ये शायद चैंपियन ट्रॉफी बचा लें, क्योंकि फिर कल को पाकिस्तान ये कह सकता है कि यार हमने आपकी सारी बातें मानी तो आप अब हमारी बातें मानो, अब सारी टीमें पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने आओ 2025 की। लेकिन अगर ये चीज़ें ये करते रहे, ये तमाशबीनियाँ ये करते रहे, फिर लिख के दे रहा हूँ चैंपियन ट्रॉफी भी हाथ से जाएगी, बायलैटरल सीरीज जो पाकिस्तान में बड़ी टीमें आकर खेलती हैं वो भी हाथ से जाएंगी, पाकिस्तान क्रिकेट का गलत इंपैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड क्रिकेट पे, नजम सेठी सर कल को दफा हो जाएगा, कल को ये गंजा चला जाएगा। पहले रमीज राजा था, वो कितनी आगे चौधरी लगाता था, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, किधर गया वो रमीज राजा, आजकल तो भाईजान वो नजर ही नहीं आ रहा, वह यूट्यूब चैनल भी इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, हमें भी पता वो एवं ही तारीफें कर रहा है बस व्यूज के लिए,
यही कह रहा है ना। अब ये नजम सिटी भी कल को गायब हो जाएगा, कल को नया बंदा आएगा, बेड़ा गर्क हो रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट का, बेड़ा गर्क हो रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का, जिनको क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी भाईजान। आप अंदाजा लगा लोगे, इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल तो खेलते नहीं है, आईसीसी में इनकी मुलाकात होती है, तो उसमें भी अगर ये पीसीबी की बदमाशियां, पीसीबी की हट धर्मियों की वजह से अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा, तो हम एज आ क्रिकेट फैन मुझे दुख होगा कि यार ये कौन सी तमाश भी नहीं हो रही है, ये कौन सी भैन भड़की हो रही है कि आप लोग जो है वो अपनी हट धर्मी की वजह से, अपनी अना परस्तियों की वजह से हमारा हमारा हम लोग मैच नहीं देखेंगे। तो ये गलत बात है यार, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को चुप करके श्रीलंका एशिया कप खेलने के लिए चला जाना चाहिए। आपका इन दी एंड ये मकसद होना चाहिए कि हमने एशिया कप जीतना है, ठीक है ना। देखो मेरी बात सुनो, हाइब्रिड मॉडल दिया गया, रिजेक्ट हुआ, दिया गया रिजेक्ट हुआ, 3 बार रिजेक्ट हुआ हाइब्रिड मॉडल। फिर जब आईपीएल का फाइनल था उस दिन सब बोर्ड ने मिलकर रिजेक्ट किया, पहले बीसीसीआई रिजेक्ट कर रहा था, फिर जिस दिन एशिया कप का वर्ल्ड सॉरी आईपीएल का फाइनल था उस दिन बांग्लादेश श्रीलंका अफगानिस्तान सब बोर्ड ने मिलकर रिजेक्ट किया। उसका मकसद ये था, फायदा उसका पर्पज ये था कि हम लोग नहीं खेलना चाहते, हम लोग एशिया कप अलग वेन्यू पर खेलना चाहते जिधर सारी टीमें खेलें। इस टाइम 4 टीमें एक जो है वो कहते हैं ना पेज पे हैं, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनका मौका फेक है। नेपाल भी अंदर ले लो, इनका मौका फेक है, ठीक है। ये भाईजान जिधर खिलाओगे खेलेंगी, इजीली खेलेंगी, बिकॉज उनको क्रिकेट चाहिए, वो अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो फसाद भाई से दूर रहना चाहते हैं। एक टीम है पाकिस्तान, जो कि भाईजान वो अभी भी कच मकच में है कि बाइकॉट है, लेकिन पाकिस्तान अब बाइकॉट करेगा। देखें अब अगर पाकिस्तान मुझे लगता है खेलेगा ना, मुझे ऐसा लगता है खेल लेना चाहिए। अगर आप चैंपियन ट्रॉफी अपनी बचाना चाहते हो, वर्ल्ड कप खेलो इंडिया जाके, एशिया कप खेलो इधर, तो अपनी चैंपियन ट्रॉफी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच जाएगी। लेकिन अगर ये फिर भी खेल लेंगे ना, तो फिर ये कहते हैं थूक के चाटने वाली बात हो जाएगी। फिर इनका क्या, देखिए वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान की आपको पता कितनी इज्जत है, वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट की कोई आपको पता कितनी को बात मानी जाती है। अगर इतनी को बात माननी वाली होती ना, तो फिर क्या होता, फिर आप लोग हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करते, नहीं ना एक्सेप्ट हुआ तो इसका क्या मतलब है कि यार फिर जब आपकी बात की मानता ही नहीं है, तो फिर उछलते क्यों हो, क्यों उछलते हो अंदर से जो है वो नजम सेठी को। ये भी साड़ है ना नजम सेठी को कि इंडिया ज्यादा पैसे क्यों लेके जाता है आईसीसी इवेंट से, मतलब अभी जो प्रपोज फाइनेंस मॉडल लिख रहा है उसमें इंडिया 38% लेके जा रहा है, पाकिस्तान को 5% मिल रहा है। नजम सेठी ने ये भी एलिगेशन लगाया जो है वो आईसीसी को कि ये इंडिया क्यों ऐसे आप इंडिया को ज्यादा पैसे देते हो, लेकिन इंडिया 80% जनरेट भी करता है, उसको फिर 38% मिलता है, आप जनरेट अलग करते हो फिर आप 5% ले भी जाते हो। इस बात को भी थोड़ा सा ना कंबाइन करो कि हम कर क्या रहे हैं और हम हमारी औकात क्या है, इस बात को जरा सा सोचो। बड़ा गर्क कर दिया यार इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का, आ गई हम जिम्बाब्वे से हार रहे हैं, बायलैटरल हार रहे हैं, वर्ल्ड कप में हम जिम्बाब्वे हमें ठोका लगा के चला जाता है, वेस्ट इंडीज हमें वर्ल्ड कप में जब डंडा दे के चला जाता है, हर बंदे के आगे हम झुके हुए और पीछे से वो हमारी लेके जा रहा है, तो ये वाली तो डिसअपॉइंटमेंट हो गया लिटरली। लेकिन बड़ा गर्क, आप बताए नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करना चाहिए। बाकी बड़े अच्छे लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।